नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ये काम करत नहीं बेटल प्रत्येक भेटत नहीं ऐसा अर्थ का मी गेली 16 वर्ष सोळा वर्ष त्रास भोगतोय, 16 वर्ष आम्हाला न्याय मिळत नाहीये। आकांक्षा टॉवर नालासोपारा पूर्व दोस्तों, आज की खबर दो वीडियो जो वसई विरार महानगर पालिका कार्यालय से सामने आए उनको लेकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक वीडियो वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय का आयुक्त अनिल पवार के कार्यालय के बाहर का, तो वहीं दूसरा जो वीडियो है वह वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय में नई इमारत पर बने उपायुक्त विजय द्वासे के कार्यालय का। तो दरअसल आयुक्त के कार्यालय का वीडियो जो है वो सामने आया, कल शाम को सामने आया ये वीडियो। किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने वहां पर उस समय रिकॉर्ड किया जबकि एक बुजुर्ग महिला, आप देख सकते हैं वीडियो में, करीब 85-90 साल की महिला अपनी किसी परेशानी को लेकर आयुक्त से मिलने आई थी और आयुक्त साहब वहां नहीं थे। उस समय हुई उस महिला को हुई तकलीफ और परेशानी को दिखाने के लिए वो वीडियो जो बनाया गया था सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, वो वीडियो है। ऐसा इनका आरोप है कि हर गुरुवार को आयुक्त की मुलाकात रहती है आम जनता से, जनता दरबार लगता है, लोग उनको मिलने आते हैं। उसी गुरुवार को लेकर ये महिला उनसे मिलने आई थी लेकिन आयुक्त बिना बताए मीटिंग में चले गए और बुजुर्ग महिला को खासी परेशानी उठानी पड़ी। तो ये वीडियो तब का है। वहीं दूसरा वीडियो जो हम बात कर रहे हैं वो वीडियो है उपायुक्त विजय द्वासे के कार्यालय का, वो वीडियो रिकॉर्ड किया है एक अनिरुद्ध यादव करके सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। उन्होंने उनका ऐसा आरोप है कि उनकी कल सुबह 24 तारीख को माहिती अधिकार की प्रथम अपील थी, उस अपील का समय दिया था उपायुक्त विजय कुमार द्वासे ने, लेकिन खुद अपीलीय अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार द्वासे वहां मौजूद नहीं रहे। समय पर तो नहीं आए, कुछ देर तक आधा पौना घंटा इन्होंने इंतजार किया लेकिन उपायुक्त नहीं पहुंचे। आपको यह बता दूं कि माहिती अधिकार काफी व्यापक एक अधिनियम कानून है और इसके अंतर्गत हम सूचना का अधिकार, जो हम कोई कुछ सूचना मांगना चाहे वो मांग सकते हैं। तो उसी सूचना में इन्होंने अनिरुद्ध यादव ने सूचना फाइल की थी, महानगर पालिका ने उनको सूचना, संबंधित विभाग ने सूचना नहीं दी, तो उन्होंने अपने प्रथम अपील अधिकार का उपयोग करके प्रथम अपील फाइल की। लेकिन प्रथम अपील अधिकारी जो कि काफी गैर जिम्मेदार है अपने काम के प्रति, उन्होंने समय देकर भी खुद प्रथम अपील में हाजिर नहीं हुए। आपको बता दूं ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरा भी अनुभव रहा है, मेरे भी साथ हुआ है, जब विजय कुमार द्वासे ही उन्होंने मुझे समय दिया था अपील का और उस दिन मैंने भी 2 घंटा इंतजार किया था। 2 घंटा इंतजार करने के बाद भी विजय कुमार द्वासे अपील में नहीं आए और बाद में उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर भी दिया। हालांकि मैं भी सेकंड अपील में गया हूं, ये अनिरुद्ध यादव भी जाहिर सी बात है सेकंड अपील में जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर वसई विरार महानगर पालिका का कार्यभार जो है वो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इनका कारोबार है। इस समय वसई विरार महानगर पालिका में महानगर पालिका की बॉडी नहीं है, सिर्फ प्रशासक राज चल रहा है, लेकिन ये प्रशासक राज नहीं बल्कि तानाशाही राज है, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं। अभी के आयुक्त अनिल पवार, इनके पूर्व के आयुक्त गंगाधरन डी के ऊपर ऐसे आरोप लगते थे कि वो अपने किसी आम जनता से नहीं मिलते हैं, लेकिन वही चीज की कुछ पुनरावृत्ति अब होती यहां दिखाई दे रही है। अब देखना यह कि आने वाले समय में क्या इन तरह की चीजों पर रोक लगेगी, क्या आयुक्त अपने और अपने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे। तो सवाल वही उठते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अलाउड नहीं है, उसी वीडियो अलाउड नहीं है, नक्की नहीं, किधर लिखा है अलाउड नहीं है, किधर लिखा है? इतना त्रास देता है उसका कुछ फर्क नहीं है, वीडियो बनाएगा तो आपको तकलीफ है। वीडियो अलाउड नहीं का सांगा, आम्ही वीडियो करत नाही, वीडियो अलाउड नहीं का ऑफिशियल, तर आम्हाला ते डॉक्युमेंट दाखवा की वीडियो शूटिंग करू शकत नाही, तर आम्ही करत नाही वीडियो शूटिंग।
तुम्ही आयुक्तांना काय लपवताय मला हे कळत नाही. कारण काय इथे आम्ही 16 वर्ष भोगतोय, 16 वर्ष मी येतो इकडे नगरपालिकेमध्ये, सतीश लोकंडे, संजय जगताप, आशिष पाटील, अनिल कुमार पवार, गंगाधरन, बळीराम पाटील, बळीराम पवार ना तो आयुक्त बळीराम पवार, कोण काम करायला मागत आणि का भोगायचा. आम्ही वरिष्ठ नागरिक, अक्षरशः मला त्रास होतोय, मी हार्टचा पेशंट, ती चार चार वेळा येऊन कामा नगर 16 वर्ष येतो, 16 वर्ष आम्ही येतो इकडे, आम्हाला नाही मिळत नाहीये, याचा अर्थ काय? तुमचा प्रॉब्लेम काय बोला तुम्ही म्हातारी आजी? प्रॉब्लेम सांगा. हा बाहेर या, बाहेर या, जाऊया, हरकत नाही, जरूर जाऊया. हे वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे ना 80% अधिकारी आहेत ना, हे काम करत नाहीत. बघा ही म्हातारी बाई बिचारी 90 वर्षी ही बाई न्याय मागण्यासाठी आली आहे. आज गुरुवार जनता दरबार, 3 ते 5 वाजेपर्यंत जनता दरबार असतो. जर तुम्हाला वेळ नाही तर त्याप्रमाणे तुम्ही जनतेला सांगायला पाहिजे ना की आज जनता दरबार भरणार नाही. तुम्ही न सांगता जाता, लोक बिचारी म्हातारी माणसं, आम्ही वरिष्ठ नागरिक, आम्ही कुठून कुठून येतो इकडे जनता दरबारमध्ये न्याय मागण्यासाठी आणि हे मिटिंगला गेलेत, याचा अर्थ काय? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब, कृपया करून लवकर लवकर कारवाई करा. हे बघा कसे म्हाताऱ्या माणसांना त्रास देतात, छळतात, बघा कसे किती वेळ यायचं इकडे, न्याय का नाही मिळत? कारण काय? ह्याच्यावर तोडगा काढा आणि कारवाई करा. ह्या ऑफिसरवरती पहिल्या हे ऑफिसर्स आहेत, हे काम करत नाहीत, भेटत प्रत्येक वेळेस भेटत नाहीत, याचा अर्थ काय? मी गेली 16 वर्ष, 16 वर्ष त्रास भोगतोय, 16 वर्ष आम्हाला न्याय मिळत नाहीये. आकांक्षा टॉवर, नालासोपारा पूर्व, थांबा, सुनवाई रखा था 11 बजे से लेकर 11:10, लेकिन ये विजय कुमार द्वादशे साहब जी उपायुक्त है, ये समय पर हाजिर नहीं थे. इनका ऑफिस पे आने का समय क्या है शायद इन्हें आभास नहीं है. 11:35 में अपने ऑफिस में पहुँचे. अभी हम ये भाई साहब हैं, इनसे विजिटर्स रजिस्टर मांग रहे हैं, हमको एंट्री करनी है कि हम यहाँ पे 11:30 हाजिर थे और हम यहाँ पर 11:30 तक रुके हुए थे. जब हमारा समय निकल गया तो हम यहाँ से निकल रहे हैं. तो ये बोलते हैं कि आपको मिलना होगा तो ही हम रजिस्टर देंगे, नहीं तो रजिस्टर नहीं देंगे. हमने उनसे कंप्लेन रजिस्टर मांगा तो भी ये बोलते हैं कि हम कंप्लेन रजिस्टर नहीं देंगे. अभी मैं आपको पेपर लेके दिखाता हूँ कि मुझे दिया गया था समय कि आप 11 बजे यहाँ पर हाजिर रहिए. हमारा अपील क्रमांक 594/2022 और 595/2022 था और इनका 17/11/2022 के दिन हाजिर रहने इन्होंने बोला था. इनका लेटर क्रमांक था 2098/22 और 2099/22. उसके साथ में मेरे साथ में रामवृक्ष यादव जी थे, वो भी आपको बताएंगे इनके साथ क्या हुआ, बताओ. हम लोग समय पर उपस्थित होने के बाद भी जवाबदार अधिकारी का कोई यहाँ आता पता नहीं और इस कारण से भाई साहब भी रजिस्टर नहीं किया तैयार नहीं है. तो आगे जो होगा स्टेटमेंट लोग आगे की कार्रवाई करेंगे. हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.